अगर आप पेटीएम चलाते हो तो आपने कभी न कभी ये देखा होगा कि जब आप यहाँ पे अपना सिविल स्कोर चेक करने आते हो तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर तो दिखाई दे देता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा देख सकते हो, यहाँ पे मेरा 5 लोन शो कर रहा है। तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि भाई मैंने 5 लोन, मतलब कि इतने सारे लोन लिए नहीं, फिर भी यहाँ पे बहुत सारा लोन शो हो रहा है। तो देख सकते हो मेरा बहुत सारा लोन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करके देखोगे तो आपको जैसे लोन अमाउंट देख सकते हो 400 यहाँ पे अभी एक्टिव है। और यहाँ पे अगर आपका आपने अगर कभी क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया है वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा, उसका लिमिट वगैरह और बाकी सभी। तो ये क्यों शो करता है मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो लोन्स वगैरह है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप यहाँ पे आपको देखना है कि वो कहाँ कहाँ से मिला है। जैसे कि एक HDFC बैंक से है, एक IDFC फर्स्ट बैंक से है, आदित्य बिरला, ये सभी। तो इसको जान लेते हैं, ये जो बैंक है जो 500 रुपया मिली है IDFC फर्स्ट बैंक से, तो ये हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से मिली थी, जो जैसे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से मिला थी, ठीक है। तो ये वहाँ पर शो कर रहा है। आपने जाने अनजाने में कभी अप्लाई किया होगा तो आपको अमेजोन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर, पेटीएम पोस्टपेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो करती हैं। और एक चीज़ है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो एक क्रेडिट कार्ड है देख सकते हो, ये है, इसकी लिमिट 15,000 है। ये इस क्रेडिट कार्ड को मैंने बंद करा दिया है लेकिन स्टिल यहाँ पे शो कर रहा है। तो इससे आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो आप क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर से बात करके इसे सॉल्व करा सकते हो। मैंने ऑलरेडी बात किया क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा था, तो मैंने उनसे बात किया कि हमारा क्रेडिट कार्ड अभी बंद नहीं हुआ, तो उन्होंने क्लियर किया कि भैया आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो चुका है। तो ये पेटीएम का जो बग है या क्या है वो हमें पता नहीं क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है। सो आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये सभी जितने भी है आप देख सकते हो, कोई भी पेमेंट लेट वगैरह नहीं हुई है और यहाँ पे हमें ये सभी चीज़ें मिली हुई है। तो यहाँ पे आपको भी कंफ्यूज हो रहा होगा। सो आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है और ये जल्द ही हट जाएगा अपने आप ही कुछ ही टाइम में, अगर आपने इस चीज़ को बंद करा दिया है तो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें आपकी क्या राय है, क्या पेटीएम का बग है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।